हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन राम राजी इंटर कॉलेज नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, अंबेडकर नगर। आई एम प्रेमचंद यादव। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास ट्वेल्थ मैथ। द टॉपिक इज इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए है आपका, निम्न फलनों के समाकलन कीजिए। यहाँ है पहला आपका क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। अब देखिए इसको हम पूर्ण वर्ग में बनाएंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 3/2, दो दो कैंसिल करेंगे 3x आ जाएगा। तो यहाँ 2 × x × 3/2, तो यहाँ देखिए हमारा आया क्या, हमारा आया ए स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab। बी क्या हमारा 3/2, तो यानी 3/2 का होल स्क्वायर हम जोड़ देंगे और 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x × 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इतने को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए माना x प्लस 3/2 बराबर t, तो यहाँ देखिए dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। अब इंटीग्रेशन यहाँ देखिए अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dt। अब देखिए इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे बाई दिस फार्मूला, यहाँ देखिए ये फार्मूला दिया गया है, तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला आपका ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर बाई टू लाग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे इस वाले में, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा टी बाई टू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हमारा 9/ कितना है ए स्क्वायर हमारा है 3/2 का होल स्क्वायर, तो यानी हम लिख सकते हैं 9/4, और यहाँ 2/2 है तो गुणे 2 यहाँ नीचे हो जाएगा, और यहाँ लाग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से टी की वैल्यू रखेंगे, टी बराबर हमने माना था एक्स प्लस 3/2 बराबर टी हमने माना था, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स प्लस 3/2 अपॉन 2, यहाँ अंडर रूट ए टी की वैल्यू रख देंगे, फिर माइनस यहाँ 9/8 लाग एक्स प्लस 3/2, यहाँ अंडर रूट एक्स प्लस ये पूरा वैल्यू हमारा आ जाएगा ठीक है, इतना प्लस सी। अब देखिए हम इसको गुणा करेंगे 2 × x, तो 2x + 3/2 यहाँ आ जाएगा 4, तो 2x + 3/4, और यहाँ अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हम सॉल्व किए थे ये तो ऊपर वाली वैल्यू था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 लाख, ये देखिए 2x + 3/2 अंडर रूट ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा ठीक है, कितना हमारा आंसर होगा, ये आंसर आएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 + x² / 9 dx।
तो यहाँ देखिए इंटेग्रेशन आप 1/9 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए 9 आएगा, चूँकि 9 9 कैंसिल करेंगे तभी तो एक आएगा, तो यहाँ 9 + x² और dx। अब देखिए 1/9 है, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो 1/3 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा इंटेग्रेशन आप 3² + x² dx। अब देखिए फार्मूला आपका है इंटेग्रेशन आप x² + a² dx बराबर हमारा हो जाएगा x/2 √x² + a² + a²/2, और यहाँ देखिए log x + √x² + a² + c। अब देखिए इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारा क्या आ जाएगा 1/3 है ही। अब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए x/√x² + 3² + यहाँ a² ए मीन्स हमारा 3 है, 3² / 2 हो जाएगा लाग x + √x² + 3² + c। तो यहाँ से हमारा आया 1/3 से सब में गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x/6 √x² + 9। यहाँ देखिए 1 3 1 3 कैंसिल हो जाएगा 3/2 लाग x + √x² + 9 + c। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंटेग्रेशन ऑफ √x² - 8x + 7 dx। तो यहाँ देखिए हम इसको पूर्ण वर्ग में बनाएंगे तो x² - 2 × x / 4, चूँकि 2 × 4 = 8x तभी होगा। अब देखिए a² - 2ab की जगह क्या 4, तो 4² हम जोड़ेंगे, 4² माइनस कर देंगे और +7 है +7 dx। अब देखिए हमारा आ जाएगा इतने की जगह हमारा हो जाएगा x - 4² और यहाँ 16 4 × 16 और यहाँ +7 होगा, 16 में से 7 यहाँ घटा देंगे तो सात में से यहाँ 16 घटाएंगे तो -9 आएगा। अब x - 4 = हम t मान रहे हैं dx = dt। अब देखिए हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t² - 3² dt। अब देखिए हम उसी फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे, कौन सा फार्मूला, यहाँ देखिए हमारा होगा फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a√a² - x² dx, ठीक है। तो इससे जब हम ओपन यहाँ देखिए ये फार्मूला हमारा कुछ चेंज होगा, और क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a² dx। तो इससे करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा t/2 √t² - 3² और यहाँ हो जाएगा a² / 2 log x + √x² - a² + c। तो यहाँ x की जगह जो हमारा t है तो t रख देंगे, a की जगह 3 है तो 3 इसमें सम में रख देंगे। तो यहाँ से देखिए अब t की वैल्यू जो हमने माना था यहाँ रख देंगे x - 4/2 √x - 4² - 9 और यहाँ 9/2 log यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -9/2 log यहाँ x - 4 यहाँ √x - 4² - 9 + c। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो x - 4/2 √ इसको सॉल्व करेंगे जो ऊपर वाला था वही हो जाएगा, तो x² - 8x + 7 यहाँ -9/2 log x - 4 + यहाँ हो जाएगा √x² - 8x + 7 + c। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन और एक्सरसाइज 7.8 डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।